रहा होगा कि मैंने कुछ लेजेंड बना रखा है, ठीक है। लेजेंड में क्या लिख रखा है मैंने, टू फार अवे टू लिव, मे बी लिव हेयर, बिग नो नेवर लिव हेयर, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। मेरे को पता है इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन हर काम व्यूज़ के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम किसी की जेन्युइन हेल्प के लिए किया जाता है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियोज़। देखो, कुछ मैं यहाँ पे अजम्पशन ये कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाते टाइम मैं अजम्पशन ये कर रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो जो TRU में पढ़ाई करने आ रहे हो, ठीक है, एंड आपके पास कार नहीं है। ये अजम्पशन करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास कार है, ये मैं आप इग्नोर करो, यू कैन लिव लिटरली एनी वेयर इन कैमलूप्स। मैं कैमलूप्स में जुलाई 2021 से रह रहा हूँ और अभी आ गया नवंबर 2022। अब इस वीडियो का टाइटल से आपको पता लग गया हम किस बारे में बात करने वाले हैं, कि कैमलूप्स में कहाँ रहना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी है रहने के लिए, कौन सी जगह बुरी है। इंट्रोडक्शन पार्ट मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता। अभी आप, मैं आपसे पूछूं, इंडिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है रहने के लिए, कोई बोलेगा दिल्ली अच्छा है, कोई बोलेगा कश्मीर अच्छा है, कोई बोलेगा पुणे अच्छा है, कोई बोलेगा आपका तमिलनाडु अच्छा है, ठीक है। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। आपका काम क्या है, सबकी इन्फॉर्मेशन सुनना और उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करना। मेरे को कैमलूप्स में सिर्फ एक साल हुआ है, तो मेरे पास जितनी नॉलेज है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं उस नॉलेज को इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको उसको फॉलो करना है नहीं करना, दैट इज़ योर कंसर्न, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मेरे कंप्यूटर में चलते हैं। बहुत मेहनत करी मैंने इस वीडियो पे, मैंने एक पूरा कस्टम मैप बनाया है, ठीक है, कैमलूप्स का गूगल मैप्स के अंदर। उस मैप के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, कैसे करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो क्लिक करते हैं। तो ये आपने देखा, ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, साइड पैनल अभी के लिए कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, तीन पार्ट, एक रेड, एक ग्रीन, एक येलो, ठीक है, ये कैमलूप्स के अंदर आता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो आप समझ लो, सबसे पहले जो ये ग्रीन के अंदर ये थोड़ा जो ब्लैक एरिया है, ये है थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी का कैंपस एरिया, ठीक है, ये है TRU का कैंपस, ठीक है। उसके बाद जो आप रेड एरिया देख रहे हो, इसको बोलते हैं नॉर्थ शोर। अभी यहाँ पे आपने ये ब्रिज देखा, ये वाला जो ब्रिज है, ठीक है, इस ब्रिज को बोलते हैं ओवरलैंडर ब्रिज। इस ब्रिज के उस पार ये जो पूरा रेड एरिया है, उसको बोलते हैं नॉर्थ शोर। यहीं पे कहीं पे मैं रहता हूँ, ठीक है, नॉर्थ शोर के अंदर। उसके बाद जो इस साइड का एरिया है पूरा, इस पूरे एरिया को हम ग्रीन और येलो मिला के इसको हम साउथ शोर बोल देते हैं। अब ये जो आप येलो एरिया देख रहे हो, ये क्या है, ये है कैमलूप्स का डाउनटाउन, ठीक है। बहुत बड़ा डाउनटाउन नहीं है, किसी वैनकूवर कैलगरी जैसा बड़ा कोई डाउनटाउन नहीं है, टोरंटो जैसा छोटा डाउनटाउन है, ठीक है, बट देर इज़ अ डाउनटाउन। येलो एरिया जो है वो है कैमलूप्स का डाउनटाउन। कैमलूप्स ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें इधर भी, जैसे अब देखो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे कैमलूप्स बाइक रेंच लिखा है, ये भी कैमलूप्स का एरिया है। मैंने उसको कवर नहीं किया बिकॉज ये इररेलेवेंट एरिया है, ठीक है। मैं बताऊँगा क्यों, कैसे, सारी डिटेल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये है आपका जनरल कैमलूप, जिसको मैंने अभी चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ शोर, TRU, साउथ शोर और एबडी और आपका डाउनटाउन, ठीक है। अब सबसे पहले नॉर्थ शोर की बात करते हैं। अभी राइट, मेरे लेफ्ट में आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने कुछ लेजेंड बना रखा है, ठीक है। लेजेंड में क्या लिख रखा है मैंने, टू फार अवे टू लिव, मे बी लिव हेयर, बिग नो नेवर लिव हेयर, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ शोर की बात करते हैं। तो नॉर्थ शोर से ये ब्रिज से यहीं पे स्टार्ट होते ही ये आ जाता है आपका फॉर्च्यून ड्राइव और ट्रैंकिल रोड, ठीक है। जो रेड में एरिया है, जो लाइट रेड है, दैट इज़ अ बैड एरिया टू लिव। अब बैड एरिया से मेरा क्या मतलब है कि वहाँ पे ड्रगीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और वहाँ पे बस थोड़ा एटमॉस्फेयर ख़राब है। मैं नॉर्थ शोर में खुद रहता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें मैं एक्सप्लिसिट नहीं बोल सकता, लेकिन ये एरिया इज़ नॉट द बेस्ट एरिया टू लिव, ठीक है। जो ये डार्क रेड में आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला जो स्पेशली एरिया है, दिस इज़ द वर्स्ट एरिया टू लिव इन कैमलूप्स, वर्स्ट एरिया। क्यों है ये, जब आप कैमलूप्स आओगे, खुद देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है और यहाँ पे ड्रग्स गवर्नमेंट बांटती है इन जगहों के आसपास, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रगीज बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा, हमेशा ड्रगियों का अड्डा बन गया ये जगह पे, ठीक है। अब एक और चीज़ इसी के अंदर मैं बता देता हूँ, मैं मैप में हाईलाइट नहीं कर पाया। ये जो आप रोड देख रहे हो, ट्रैंकिल रोड,
ये वाली जो रोड देख रहे हो, ट्रैंकिल रोड जो लिखा है, ये मैं जूम कर देता हूँ इस पर, ये जो रोड है ये ट्रैंकिल रोड जिस पर लिखा है, इस रोड पे भी आपको जहाँ तक मैंने मैप मार्क किया है, यहाँ तक बेसिकली सेफ वे फॉर्च्यून तक, यहाँ तक आपको ट्रैंकिल रोड पे नहीं रहना, ना ही फॉर्च्यून ड्राइव पे रहना यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाते हैं जो ये ब्लैक एरिया दिख रहा है, ब्लैक एरिया मेरे लेजेंड में लेफ्ट में देखो क्या लिखा मैंने, टू फार टू लिव, ये वाला जितना भी ब्लैक्ड आउट एरिया है, इट्स नॉट अ गुड और बैड एरिया, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, इट्स टू फार, बहुत दूर है TRU से। अगर आप स्टूडेंट हो, जैसे मैंने बोला, ये अजम्पशन मैं कर रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हो, आपको TRU जाना है डेली, तो ये इज़ टू फार टू लिव, बहुत दूर है ये, इट्स विल बी, आपकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाएगी अगर आप यहाँ रहोगे तो। उसके बाद आ गए हम इस येलो एरिया में, ये जो आप पूरा येलो एरिया देख रहे हो, ये इज़ मे बी नॉट, मैं इसी येलो एरिया के अंदर मैं रहता हूँ, ठीक है। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ डिसेंट एरिया टू लिव, ठीक है, बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही एक नंबर एरिया रहने के लिए, लेकिन स्टिल मच बेटर, यहाँ पे लोग रहते हैं और पॉपुलेशन अच्छी है, शॉप्स वगैरह हैं, तो स्टिल स्टिल अ डिसेंट एरिया टू लिव, ठीक है। अब एक मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो दो आप ग्रेड आउट एरिया देख रहे हो ना, ये जो ग्रेड आउट एरिया, अब इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो सॉरी, ये जो आप ग्रेड आउट एरिया देख रहे हो, ये जो पूरा ब्लैक आउट है, ये लोग रहते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि प्रॉपर प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इट्स जस्ट नॉट वर्थ लिविंग हेयर, ठीक है, ये भी अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, तो यहाँ पे भी आप मत रहना, ठीक है। अब बात करते हैं मेन साउथ शोर की, कि जो जहाँ पे पूरी बसावट है, जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, जहाँ पे TRU है, ठीक है, उस बारे में पूरा अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले साउथ शोर में जो आप ये वाला देख रहे हो, पूरा ग्रेड आउट एरिया देख रहे हो, सबसे पहले तो मैं वैली व्यू की बात कर लेता हूँ, वैली व्यू में मत रहना, अगर आप TRU स्टूडेंट हो, डू नॉट लिव इन वैली व्यू, ठीक है, इट्स टू फार, इट्स वे टू फार, ठीक है, बहुत इररेलीवेंट हो जाओगे आप, अगर आप वहाँ रहोगे तो यू विल बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो डोंट लिव इन वैली व्यू अनलेस यू हैव अ कार, कार है टोटली डिफरेंट टॉपिक, अगर आप बस लेने वाले इंसान हो, डोंट लिव इन वैली व्यू, ठीक है, इट्स टू फार, बहुत दूर है TRU से। उसके बाद ये वाले जो एरियाज हैं जो मैंने ग्रे आउट कर रखे हैं, दे आर नॉट बैड एरियाज, लेकिन इट्स ऑल्सो मेरी नज़र में इट्स टू फार, ठीक है, TRU से इट्स टू फार टू लिव, ठीक है, मे बी आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके रह सकते हो, लेकिन इट्स अगेन टू फार, ठीक है, इट्स नॉट वर्थ इट। मैं विंटर्स भी कंसिडर कर रहा हूँ, देखो विंटर होगी, बहुत हैवी विंटर होगी, उसके अंदर आपको बस लेना, बस तक वॉक करके जाना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं सारे फैक्टर्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट डोंट लिव देयर। उसके बाद आ जाते हैं कैमलूप्स डाउनटाउन की बात करते हैं, देखो डाउनटाउन इज़ लाइक अ टू फेस्ड कॉइन, ठीक है, यहाँ पे इट्स गुड लिविंग हेयर बट ऑल्सो बैड, डाउनटाउन के अंदर ड्रगीज़ वगैरह डाउनटाउन में सॉर्ट ऑफ रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, ये है वो है, लोग हैं, तो कोई उनको कुछ खाना दे देता है, कोई रेस्टोरेंट से वो कुछ चुरा लेते हैं, कभी क्या कुछ 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 चलता रहता है। डाउनटाउन में अच्छी जगहें भी हैं रहने के लिए, सेंट पॉल स्ट्रीट इज़ अ गुड स्ट्रीट टू लिव ऑन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप खुद जाओगे, खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन इस ग्रे, इस ये जो येलो एरिया है, इसके अंदर आप रह सकते हो, स्टिल अ बेटर एरिया टू लिव, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट एरिया टू लिव है कैमलूप्स के अंदर, बेस्ट एरिया वो है ये वाला एरिया पूरा, जो भी मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, ये बेस्ट इसलिए कि यहाँ पे वॉलमार्ट पास में, TRU पास में, सारी शॉप्स पास में, 3 से 4 प्लाजा हैं यहाँ पे, जिसके एक प्लाजा के अंदर 100+ शॉप्स होती हैं, 3 से 4 प्लाजा आपके चारों डायरेक्शन में है, रियल कनेडियन सुपर स्टोर है, ठीक है, इट्स एक्चुअली वेरी टैक्टफुल टू लिव हेयर। एक बस से आप अपने काम पे भी पहुंच जाओगे, आप डाउनटाउन भी पहुंच जाओगे, TRU भी पहुंच जाओगे विदाउट चेंजिंग एनी बसेस, ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द बेटर प्लेसेस टू लिव है, ठीक है। ग्रीन वाला जो एरिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट्स ले लो मेरे मैप के, ठीक है, आई होप आप लोग ले ही रहोगे अभी तक। अब बात करते हैं बस एक्सचेंजेस की, ठीक है, TRU में मेन 3 बस एक्सचेंज है, एक बस एक्सचेंज है जो नॉर्थ शोर के अंदर है, ये जो आप ब्लू मार्कर देख रहे हो ये वाला, ये है नॉर्थ शोर बस एक्सचेंज, ये मैंने अपना कस्टम मार्कर बनाया, ठीक है, नॉर्थ शोर बस एक्सचेंज, यहाँ से सीधा बस चलती है, 10 नंबर 10 नंबर बस चलती है, जो सीधा आपको डायरेक्टली यहाँ से TRU उतारती है, बीच में कहीं और कहीं नहीं जाती। तो अगर आप नॉर्थ शोर में रह रहे हो और आपको, अगर आपको TRU जाना है, तो आप नॉर्थ शोर एक्सचेंज पे आके 10 नंबर बस पकड़ के सीधा TRU जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला जो बस एक्सचेंज है वो है लैंसडाउन एक्सचेंज, जो कि TRU के
सॉरी लैंसडाउन एक्सचेंज जो कैमलूप्स के डाउनटाउन के अंदर है, ठीक है, लैंसडाउन एक्सचेंज, वहाँ से भी बहुत सारी बसेस चलती हैं। तीसरा जो बस एक्सचेंज है वो है TRU के अंदर एक्चुअली। यस, दैट्स द गुड पार्ट कि सिटी ऑफ कैमलूप्स ने सबसे अच्छा काम किया था कि TRU जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही एक बस एक्सचेंज बना दिया कि बच्चों को कहीं भी जाना है, नॉर्थ शोर जाना है, 10 नंबर TRU के अंदर आती है, ठीक है, सारी बसेस TRU के अंदर आती है। तो ये है आपका TRU एक्सचेंज। तो तीन मेन बस एक्सचेंज यहाँ पे आपको दिख गए, लैंसडाउन एक्सचेंज, नॉर्थ शोर एक्सचेंज, TRU एक्सचेंज, ठीक है। अगेन बोलने वाली बात नहीं है, स्टिल ऑब्वियस है कि अगर आपको बस एक्सचेंजेस के पास घर मिल रहा है, ऑसम, लिव देयर, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स की, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मन करता है इंडियन रेस्टोरेंट्स खाने का, तो मैंने इंडियन रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाई है, ठीक है। स्पाइस इंडियन कुजीन मेरी टॉप लिस्ट में है, वन ऑफ माई फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट्स। उसके बाद नंदीस फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, ये रेस्टोरेंट TRU के पास है। मद्रास मसाला एंड ग्रिल, ये डाउनटाउन के अंदर है, अमेजिंग साउथ इंडियन फूड, डोसा वगैरह बहुत अच्छे प्राइस पे। उसके बाद कोकोनट, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, तो कोकोनट भी मैं जाता रहता हूँ कभी कभी। उसके बाद कोहिनूर पे भी अच्छा खाना मिलता है, इंडियन कुजीन मिलता है। आई डोंट नो इफ दिस इज़ ट्रूली ऑथेंटिक इंडियन। जायका इंडियन लॉन्च, ये TRU के सामने ही है, इसको आई थिंक इट्स अ फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस। उसके बाद मौर्याज, हाई एंड इंडियन रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक धालीवाल किचन, नॉर्थ शोर में वन ऑफ द गुड पंजाबी फूड रेस्टोरेंट। उसके बाद कैमी पिज़्ज़ा मैंने इसलिए लिखा है कि कैमी पिज़्ज़ा पे ना देसी टाइप पिज़्ज़ा मिलता है, तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा, तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा, तो इस टाइप के मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन रेस्टोरेंट को हटा के माई फेवरेट प्लेसेस टू ईट के बारे में लास्ट में बात करेंगे, पहले मैं आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर दिखा देता हूँ। जितने भी आप ये ब्लू मार्कर देख रहे हो, ठीक है, वो सब आपके इंडियन ग्रोसरी स्टोर थे। तो सबसे पहले ये ब्लू मार्कर में आपने देखा फ्रेजर कार्ट इंडियन स्टोर, इस पर जो स्पेसिफिक टू डिटेल्ड इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं सब इस पर आपको मिल जाएगा। दूसरा रियल कनेडियन सुपर स्टोर, इस पर एक आइल है, एशियन आइल, इंटरनेशनल आइल, उसके अंदर एक सेक्शन है पूरा इंडियन सेक्शन, तो उसमें आपको इंडियन फूड कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं कनेडियन सुपर स्टोर से पराठे नाले लगाऊँ, बहुत अच्छे पराठे होते हैं। उसके बाद फ्रेशको, आप लोगों ने मेरी फ्रेशको वाली वीडियो आप देख सकते हो, फ्रेशको में क्या क्या इंडियन सामान मिलता है मैंने सारा मेंशन किया हुआ है। उसके बाद सेवन फूड्स पे ना खुला सामान मिलता है बहुत सारा, तो सेवन फूड्स का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। उसके बाद वॉलमार्ट, ऑफकोर्स वॉलमार्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर चेन्स, उसके अंदर इंडियन सेक्शन है। थोड़ा सा फन पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, माई फेवरेट प्लेसेस टू ईट, तो मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है खाने के लिए दैट इज़ ब्राउन सोशल हाउस। देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेफ्ट में। ब्राउन सोशल हाउस पे मेरा ड्रैगन बॉल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। उसके बाद पीटा लैंड, बहुत ऑथेंटिक क्वांटिटी और बढ़िया इसके अंदर शॉर्मा वगैरह मिलता है, बहुत अच्छा। उसके बाद पॉपॉज लुइजियाना किचन, अमेरिकन रेस्टोरेंट है, बढ़िया चिकन मिलता है यहाँ पे भी। उसके बाद लोकल पब्लिक ईटरी, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, तो लोकल पब्लिक ईटरी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू ईट इन कैमलूप्स। उसके बाद फोकलिफ्ट किचन एंड बार, मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं फोकलिफ्ट किचन एंड बार में जाता रहता हूँ बर्गर खाने। उसके बाद होजा मंगोलियन ग्रिल, ये फोकलिफ्ट किचन बार के बगल में ही है, इट्स ऑल्सो अ मंगोलियन ग्रिल, और बहुत अच्छा नूडल्स वगैरह बहुत अच्छा बना के देते हैं। तो यार ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी जस्ट टू शो यू के कैमलूप्स में कहाँ पे आप रह सकते हो, कहाँ पे नहीं रह सकते। कुछ मेरे से टिप्स ले लो। सबसे पहला तो कैमलूप्स इज़ अ हिली टेरेन, मतलब कि हिली एरिया है पूरा, तो वहाँ पे बाइसिकल लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो जो लोग आप वीडियो देखते हो दूसरे यूट्यूबर्स की, जो लोग बाइसिकल यूज़ करते हैं वो फ्लैट सरफेस पे रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे फ्लैट है, वहाँ पे बाइसिकल लेना गुड। कैमलूप्स में डोंट बाय अ बाइसिकल, सेव योर मनी, कार ले लो, बहुत सुखी रहोगे। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है या किसी भी बैकग्राउंड के इंडियन स्टूडेंट है, कैमलूप्स के अंदर जो गुरुद्वारा साहिब है, जो हमारे निकोलानी कोर्ट के पास है, 24/7 वहाँ पे फ्री फूड अवेलेबल होता है, फ्री फूड एंड सबके लिए एवरीबडी इज़ वेलकम। मैं भी कई बार जाता रहता हूँ संडे को वहाँ पे खाना खाने। इफ़ पॉसिबल लिव नियर TRU के आसपास घर लोगे, बहुत सुखी रहोगे, यूनिवर्सिटी में एंगेजमेंट होगा, ये वो। नेक्स्ट टिप इज़ TRU में जितनी भी अकोमोडेशन अवेलेबल है ना, उसमें सबसे बढ़िया अकोमोडेशन इज़ ईस्ट विलेज से बढ़िया अकोमोडेशन नहीं है। अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप कौन सी अकोमोडेशन मुझे लेनी चाहिए, नॉर्थ टार लेनी चाहिए, ईस्ट विलेज लेनी चाहिए, या फिर वेस्ट गेट लेनी चाहिए, या फिर मैकगिल अपार्टमेंट लेने चाहिए, तो ईस्ट विलेज, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ईस्ट विलेज। ये थी बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प वीडियो,
कैमलूप्स में रहने से रिलेटेड कुछ भी सवाल है कमेंट्स में पूछो मुझे, अगर इफ़ आई एम एबल टू आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा टॉपिक है जिसका कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। कोई यहाँ पे मेरे से पहले से रह रहा होगा, वो बोलेगा अरे नहीं यार इसने ये गलत बोला वो सही बोला, तो देर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस। ठीक है, सिर्फ दिस इज जस्ट हाउ आई फील, आप इससे अपनी नॉलेज लो, मेक योर ओन डिसीजंस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लो, इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत सारा फन हम इंस्टाग्राम पे करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।